घर पर ही डांस करने का शौक 10 वर्षीय ऋतिक को उस मुकाम पर ले गया कि आज वह भांगा किंग के नाम से अपनी पहचान बना चुका है। गिद्दरबाहा के ऋतिक सांवरिया की ओर से मात्र 10 साल की उम्र दौरान ही अलग अलग भांगा कंपटीशन में भाग लेकर 15 के करीब गोल्ड मेडल हासिल कर अपने परिजनों का नाम रोशन किया है। अब उसकी सेलेक्शन आगामी 6 फरवरी को नेशनल स्तर पर जलंधर में होने जा रही नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में हुई है। इस मौके पर ऋतिक सांवरिया के आस डॉस के लोगों की ओर से उसका मुंह मीठा करवाते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान छोटे बच्चों में भी उसके भांडे को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। 10 वर्षीय ऋतिक सांवरिया के टीचर सुखरदर्शन सिंह और मैडम प्रिया ग्रोवर ने बताया कि उनको अपने इस शिष्य पर मान है कि उसने कम उम्र में जज्बा रखते हुए 15 के गोल्ड मेडल हासिल किए। वही उनके दादा बांके लाल सांवरिया और माता पिता ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। जो कि अज नैशनल लैवल तक पहुँच चुके हैं, तो मैं सब तो पहला इन्होंने पेरेंट्स का धन्यवाद करती हाँ जो इन्होंने इनू सपोर्ट की और मेरे तक भेजा। इन्हें बच्चे ने लॉकडाउन के स्टार्टिंग की मेरे को भंगड़े की, फिर उस तो बाद मैं अपने टीचर दे को भेजा, तो अज उन्हों की बदौलत यह बच्चा नैशनल लैवल तक पहुँच चुका है। मैं बहुत खुश हाँ ऋतिक दे कि इन्हें इन्नी मेहनत की और इन्नी अगे तक पहुँचा और साडा और अपने पेरेंट्स का नाम इन्हें रोशन किया। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ऋतिक सावरिया है। मुझको भंगड़े का शौक बचपन से है। मैं घर पर भंगड़ा करता था इसलिए मुझे शौक है। मेरे टीचर जी ने मुझे भंगड़ा सिखाया था। तो अभी कहाँ कहाँ पर आपने भंगड़ा डाला हुआ है? मैंने मुक्तसर डाला है, बठिंडे डाला है, जलंधर डाला है, बरनाले डाला, मोड़ मंडी डाला, ऑनलाइन डाला है, वीडियो भेजी है। तो अभी कंपटीशन के लिए कहाँ जा रहे हो आप? अभी खन्ने जाना है। तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया। सारिआं नूं मेरे वल्लों सुखदर्शन तुहाडा डायमंड अते ऋतिक सावरिया वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। सो अज असीं तुहाडे सामने अपने ऋतिक सावरिया बारे तुहानूं कुछ दसण जा रहे हैं। बच्चा बहुत मेहनत लगा रहा मेरे कोले। मैं डायमंड भंगड़ा अकैडमी दे विचों कोच तुहाडे सामने हाँ, ते ऑडियंस मैनूं उम्मीद आ वी तुहाडे प्यार नाल तुहाडे सपोर्ट दे नाल असीं अगे जाके होर वी आपदे आप नूं ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 15 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਂਕੇ ਲਾਲ ਸਾਂਵਰੀਆ, ਰਿਤਿਕ ਸਾਂਵਰੀਆ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। गिद्दरबाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।